तो स्थानीय समय इसमें क्या होगा, पहले आप बताइए, 2 घंटा 15 मिनट, 37 मिनट 48 सेकेंड, 59 मिनट 12 सेकेंड और 1 घंटा 52 मिनट। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये कह रहा है कि जोधपुर और आपकी आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय, इन दोनों के मध्य जो देशांतरीय अंतर है वो है 9 डिग्री 27 मिनट का। अब जोधपुर में बजे हैं आपके 7:15 सुबह के, 7:15 बजे हैं। तो यहां से और इस भारतीय मानक समय के मध्य में समय अंतर क्या है, तो समय की गणना के लिए हमने बताया था कि जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है, दो देशांतरों के मध्य समय अंतर 4 मिनट का है, पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घट जाता है, और दो देशांतरों का जो अंतर आता है उस अंतर से जो देशांतरों का समय अंतर होता है उससे गुणा करना है। तो इसको 4 से गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, ये मिनट है, तो मिनट किसमें बदलेगी, सेकेंड में, 9 चौक 36, ये डिग्री है तो डिग्री किसमें बदलेगी, मिनट में। इस तरीके से आ गया, यहाँ आ गए आपके 108 सेकेंड। 108 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे तो 1 मिनट और आपकी 48 सेकेंड ये आ जाएगा। 1 मिनट 48 सेकेंड जब इसमें जोड़ेंगे हम, 36 मिनट में 1 मिनट 48 सेकेंड जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 37 मिनट 48 सेकेंड। तो इनके मध्य जो स्थानीय समय अंतर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 37 मिनट 48 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में है जोधपुर, नागौर, टोंक और राजसमंद, ऑप्शन बी है नागौर, टोंक, दौसा और धौलपुर, ऑप्शन सी है राजसमंद, टोंक, पाली और नागौर, ऑप्शन डी है नागौर, पाली, राजसमंद और टोंक। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं। अंतर्वर्ती जिलों की अगर हम बात करें तो अंतर्वर्ती जिलों के अंतर्गत राजस्थान के 8 जिले आते हैं, यानी ऐसे जिले जो ना अंतर्राज्य सीमा बनाते और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, वो जिले कहलाते हैं अंतर्वर्ती या स्थल रुद्ध या स्थलबद्ध। तो इस तरीके से ये 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, बूंदी, दौसा, राजसमंद, एक आपका टोंक। इस तरीके से ये 8 जिले हैं। तो इसमें पूछा गया अवरोही क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम। तो सबसे पहले अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो ये पहले स्थान पर आएगा जोधपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जोधपुर अंतर्वर्ती जिलों के अंतर्गत। उसके बाद आता है आपका नागौर, उसके बाद आती है आपकी पाली, उसके बाद आती है आपकी अजमेर, उसके बाद आती है आपकी बूंदी, उसके बाद टोंक,
उसके बाद आपका राजसमंद और उसके बाद दोसा, इस तरीके से ये क्रम होगा। तो अवरोही क्रम की बात कर रहा है, अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटा जो क्रम होता है उसको कहते हैं अवरोही क्रम। यानी जैसे हम एक से 100 तक गिने, तो 100 से जब एक की तरफ वापस आएंगे तो वो होता है आपका घटता क्रम। तो सबसे घटते क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा हो गया आपका जोधपुर, जोधपुर के बाद नागौर। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए जोधपुर, नागौर, टोंक और उसके बाद राजसमंद, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने खारी, बेडच, बनास, ओ सॉरी पश्चिमी बनास और काली सिंध। इन चारों नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी का हिस्सा नहीं है? अगर बंगाल की खाड़ी के अपवाह की बात करें, इन नदियों में से जो दिए गए ऑप्शन है आपके पास, अगर इनमें हम बात करें तो देखिए, खारी की बात करते हैं तो खारी बंगाल की खाड़ी का भी अपवाह है और आपका अरब सागर का भी अपवाह है, दोनों के अंतर्गत। दोनों के अंतर्गत कैसे है? बंगाल की खाड़ी के अनुसार हम अगर देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी के अनुसार ये बनास की सहायक नदी है, खारी बनास की सहायक नदी है। वहीं हम अरब सागर के अंतर्गत देखते हैं तो ये लूणी की सहायक नदी है। यानी बनास की सहायक भी खारी नदी है और एक लूणी की सहायक भी खारी नदी है। तो हम यहाँ ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली की बात कर रहा है या अरब सागर। तो यहाँ लूणी की सहायक की बात कर रहा है बनास की। तो अगर हम इसमें देखें, बंगाल की खाड़ी का पूछ रहा है तो बंगाल की खाड़ी ये हो जाती है आपकी बनास की सहायक नदी, तो यहाँ खारी हम इसको मान लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बेडच, बेडच कह दो या फिर इसको आयड़ कह दो, उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, पहले इसका नाम होता है आयड़। जैसे ही ये उदयपुर के उदय सागर में झील में गिरती है और उसके बाद से इसका नाम हो जाता है बेडच। फिर ये बनास में आके मिल जाती है। जब ये बनास में मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है बनास किस में जाके गिरती है? चंबल में, और चंबल गिरती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में और गंगा जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इस तरीके से ये भी कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट नदी की बात करें हम पश्चिमी बनास, पश्चिमी अगर बनास की बात करें तो इसका उद्गम नया गांव, नया सानवारा गांव सिरोही से होता है। सिरोही से निकलने के बाद ये आपकी अरब सागर में जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अरब सागर के अंतर्गत ये पश्चिमी बनास मिल जाती है। तो यहां अगर हम बात करें पश्चिमी बनास की तो पश्चिमी बनास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें दे रखा है काली सिंध, तो काली सिंध की अगर हम बात करते हैं तो काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इसमें सही आंसर होगा पश्चिमी बनास। नेक्स्ट देखिए, आंतरिक अपवाह के अंतर्गत राजस्थान की सांभर झील में गिरने वाली सबसे खारी नदी है। ऑप्शन है आपके रूपनगढ़, खारा नाला, तुरतमती और मैंथा। देखिए अगर सांभर झील की बात करते हैं हम, तो सांभर झील के अंतर्गत आपका खारा नाला, तुरतमती और
रूपनगढ़ और मेंथा, ये सारी की सारी नदियां आपकी इस सांभर झील में गिरती हैं। लेकिन अगर लवणता की यहां बात पूछी गई है कि सबसे खारी नदी कौन सी है, तो आपकी मेंथा, जिसका लवणता कम से कम 1295 पीपीटी है। अगर हम मेंथा की बात करते हैं, तो मेंथा सबसे खारी नदी है, या यूं भी कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे खारी नदी है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची दो से सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं सूची वन में और सूची टू में संबंधित जिले। तो पहला है, इसको लिख ही लेते हैं हम, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राजस्थान का नाका, राजस्थान का प्रवेश द्वार, रेगिस्तान का गुलाब, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। इनके सामने संबंधित जिले दे रखे हैं, जैसे राजस्थान का नाका ये अजमेर, इसमें आपका भरतपुर, इसमें जैसलमेर, और इसमें है आपका जोधपुर। अब सही तथ्यों की हम बात करते हैं, तो सही तथ्य के अंतर्गत राजस्थान का नाका अजमेर कहलाता है, ये सही है। राजस्थान की अगर प्रवेश द्वार की बात करते हैं, तो ये भी सही है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, जबकि सिंह द्वार अलवर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें रेगिस्तान के गुलाब की, तो ये भी क्या है आपका, सही है। और नेक्स्ट है आपका मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो ये भी आपका सही है। यानी इसमें 1 2 3 4 जो ऑप्शन जिसमें दिए हुए हैं वो सही होगा, ऑप्शन सी है वो इसमें सही आंसर होगा। इस प्रकार से राजस्थान की मॉक टेस्ट के अंतर्गत 25 जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको हल करवा दिए। मेरा एक बेहतर प्रयास जो मैं कर सकता था मैंने किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉक टेस्ट को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को देखते रहिए। और इससे संबंधित जो इस मॉक टेस्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, लाइब्रेरी के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, वो भी संबंधित सर इनको हल करवाएंगे। धन्यवाद।